हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एग्जाम मिरर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुमार मित्तल के डायलेक्टिक एंड कैपेसिटर चैप्टर के न्यूमेरिकल नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यहाँ पर देखिए, दिया गया है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर, मतलब उस पर विभव का मान कितना है। अगर विभव का मान देखा जाए तो 1000 दिया गया है, तो वी का मान हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे, वी का मान वी इक्वल टू 1000 वोल्ट। कितना? 1000 वोल्ट। अगर ये विभव का मान दे दिया गया और आवेशित करने पर उस पर आवेश कितना है, मतलब जब इसे 2 माइक्रो कूलम आवेश दिया जाता है तो कितना उसका विभव हो जाता है, 1000 वोल्ट। तो यहाँ पर क्यू का मान कितना हो जाएगा भाई, 2 माइक्रो मतलब 10^6 कूलम। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो संधारित्र की धारिता उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। आपसे क्यू का मान पूछा, सी का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए, क्यू इक्वल टू सी वी, आपसे C के मान जब पूछा रहा, Q अपान V कर सकते हो। Q की वैल्यू रखेंगे कितना, 10^-6, 10^-6। V का मान कितना, 1000, और 1000 का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 × 10^-6 / 10^-3 हो जाएगा। ये ऊपर आएगा, यहाँ पर देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 10^-6 और ये माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका, सी इक्वल टू 2 × 10^-9 आ जाएगा। इतना फायरड आएगा, कितना आएगा, इतना फायरड आ जाएगा। तो सी इक्वल टू 2 × 10^-3 × 10^-6 फायरड लिख सकते हैं। तो सी इक्वल टू 2 × 10^-3 और माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10^-6 को लिखते हैं माइक्रो। इसे हम लोग लिख पाएंगे माइक्रो फायरड। क्या लिख पाएंगे, माइक्रो फायरड, माइक्रो फैराड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, 10^-3 माइक्रो फैराड ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यदि न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।